गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल स्टार्ट FA1 मैथ्स रिवीजन। यस, FA1 का मैथ्स रिवीजन, जो मैथ्स की एग्जाम आने वाली है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हर बार हम रिटन एग्जाम देते हैं, इस बार हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ठीक है। उसमें आपको सारे ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करके उसका आंसर देना। जैसे आप KBC में देखते थे कि ऑप्शन आते थे और हम वो आंसर देते थे, उसी तरह हम इस बार हम घर पे बैठ के बी से और हम आंसर ऑनलाइन ही हम देंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि कैसे करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्वेश्चन है, राइट द नंबर इन वर्ड ऑफ 612 का आपको स्पेलिंग लिखना है, वर्ड लिखना है, स्पेलिंग में लिखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने दिया है 512, इज इट राइट? 612, इज इट राइट? 621, ये राइट है। कौन सा वाला राइट है? B1 इज अ राइट, 612। तो 612 बी है। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रही हूँ, बट इन ऑनलाइन एग्जाम यू हैव टू सिलेक्ट, बी को आपको सिलेक्ट करना है। आप बी सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको वो ऑप्शन को सेव करना है कि ये आपका ऑप्शन सेव हो गया है, ये आपने सिलेक्ट किया था, वो हो गया। सेव होने के बाद आप उसको नेक्स्ट करके आएगा, उसमें दूसरा ऑप्शन आएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर इन वर्ड ऑफ 579 इज द राइट, 597 इज द राइट, और 500, विच वन इज राइट? 579, विच वन इज राइट? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, मगर आपको क्या करना है, आपको ये ए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है, सेव करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर इन वर्ड ऑफ 875, 857, 875 और 75, विच वन इज राइट? बी, बी इज द राइट आंसर। तो बी पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। और ये वाला आप एज इट इज मत समझो कि यही क्वेश्चन होगा, आई विल चेंज द क्वेश्चन इन द एग्जाम। एग्जाम में सेम टू सेम ये नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स चेंज होंगे,